यही है, यही है वो मासूम बच्चे जिनका चश्मा छीन के इन बेकार गधों ने पहना हुआ है। सारे गुलाब जामुन श्वेता जी के लिए। कितना खाओगे अनुराग, बस करो, मतलब बहुत गलत बात है, वेरी बैड, चुप करो, देख लो कितना पागल इस दुनिया में हो गए हैं। मास्क नहीं लगाएंगे और स्टाइल तो ऐसे मार रहे जैसे पता नहीं क्या। ये मैंने चप्पल तो डांस किया है, ये देखो ठीक से दिखाओ, ठीक से दिखाओ, कहते हैं ये एक हील देखो, ये दूसरा हील देखो मेरा, ये चप्पल तो डांस है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हुआ ना आज कि मैं अभी सो रही थी एंड ये जो गाना है ये मेरे आवाज में सुनाई दिया और मैं उठ के बिल्कुल भागी कि आज मैं आपको दिखाती हूँ पटना में कूड़ा कैसे उठाते हैं लोग। ऐसे ही सुबह सुबह गाड़ी आती है, उस पर मस्त के म्यूजिक चलता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, दिस इज द कम्प्लीट व्यू ऑफ आवर घर। मम्मा आ गई है, ये ना टॉप फ्लोर है, इस पर हम लोग रहते हैं एंड ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है ना, यहाँ ये हॉल है एंड ये हॉल से निकल के ये टेरेस है। ये जो बीच वाला जो फ्लैट है ये रेंट पे चढ़ा हुआ है एंड ये नीचे वाला है जहाँ पे चाचा चाची बाबा दादी, चाचा जी दिल्ली में रहते हैं बट ऐसे आते हैं तो यहाँ रहते हैं, किचन नीचे ही है हमारा। तुझे कद्दू ले आए तोड़ के दिखाइए, लाइए कहाँ नीचे से लाइए, लाइए दिखाई दिखाइए सबको, मजा आएगा। ये देख लीजिए, ये पापा के किचन गार्डन से निकला है कद्दू जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं वहाँ, और टुनटुन जी इसको लगाए थे और तोड़ के लाए हैं। ये जो साड़ी है ना ये वाली, इसको मैं सुबह के फंक्शन के लिए पहनने लगी हूँ, तो ये काफ़ी लाइट शेड है, बेज कलर की है एंड इस पर जो ये है ना ये कुंदन का वर्क है एंड रेड बॉर्डर है, तो आज दिन के फंक्शन के लिए मैं ये पहनूंगी। ज्वेलरी का अभी मैं कुछ फाइनल नहीं कर पा रही हूँ, है मेरे पास दो तीन, एक बार मैं जब प्रॉपर तैयार हो जाऊँगी देन मैं साड़ी के साथ उसको डाल के देखूँगी, तो जो भी अच्छा लगेगा मैं उसको पहन लूँगी। तो फिर मैं तैयार होके एंड आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊँगी कि सुबह वाला लुक क्या है एंड मेरा जो शाम वाला इवनिंग लुक है वो क्या है, क्योंकि शाम में जो है वो बारात है एंड अभी जो है वो तिलक का फंक्शन है। तो चलो फिर जल्दी तैयार होते हैं एंड बढ़ते हैं फंक्शन में। एंड मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी सुंदर भाभियों से, जो अभी न्यू एडिशन है हमारी फैमिली से, ये भाभी नंबर वन प्रिया, प्रिया नाम है इसका, भाभी नंबर टू भी नजर नहीं आ रही, मैं भी दिखाऊंगी। और भाभी से तो आप कितनी बार मिल चुके हो, ये मेरी मौसी है, मेरी सबसे बड़ी मौसी पुष्पा मौसी, ये वाली जो मौसी है ना ये छोटी वाली मौसी से एक बड़ी वाली मौसी है, लल्ली मौसी है। क्या है ना कि मौसी तो ये कम थी और हम लोगों की फ्रेंड ज़्यादा हुआ करती थी, हम लोग बहुत मज़े करते थे साथ में सीरियस की, क्या मौसी सच बोल रहे हैं ना, इनकी शादी हमारे घर मेरे मम्मी के घर से ही हुई है, तो उस समय मैं छोटी थी, स्कूल में थी, लेकिन मज़ा बहुत आता था और उनका ससुराल लोकल था, खूब इन्जॉय किया हमने साथ में। मस्त बात ये हुआ ना कि दीपाली जो है ना वो सूप वाला स्पून उठा रही थी खाना, फिर बोल रही है इतना बड़ा स्पून क्यों रहे है, और देख लो ये प्रिया कितना ज़्यादा खाना खा रही है, क्या प्रिया आज ही खा लो, क्या खा रहा है बहुत, फिर और मिलेगा खाना प्रिया, पता है बस ठीक है, अरे भूख लगी है बेचारी, खाना देखो मैं तो खाती नहीं हूँ ना, मैं तो बस देख रही हूँ ये लोग खा रहे हैं। मैं ना चाह रही थी कि उस झूले पे बैठ के खाना खाऊं, बट देखो ना वो लड़का पता नहीं कौन है, वो हट ही नहीं रहा वहाँ से, कैसे बैठे हम लोग झूले पे, कोई जरा धमका कर रहा है उसको साथ, उतना सारा के साथ, हाँ ये कैमरा के सामने नहीं ले रही है मौसी, सारे गुलाब जामुन श्वेता जी के लिए। कितना खाओगे अनुराग, बस करो, मतलब बहुत गलत बात है, वेरी बैड, चुप करो, देख लो कितना खा, ये देखो दो पागल बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों का चश्मा छीन के दोनों और ब्लॉग बनवाने में लगे, दो पागल, दिन देखना रह गया था, दो पागल को देखो, यही है, यही है वो मासूम बच्चे जिनका चश्मा छीन के इन बेकार गधों ने पहना हुआ है। माँ सबसे मिल रही है, ये है लड़के की माँ,
इनसे नहीं मिलवाया था ना, ये देवी मौसी है, प्यारी मौसी है। नहीं क्या हम लोग तैयार हुए होंगे जो ये हुई है, क्या बताऊँ, गजब। अरे गजब, पागल इस दुनिया में हो गए हैं। मास्क नहीं लगाएंगे और स्टाइल तो ऐसे मार रहे जैसे पता नहीं क्या, ये स्टाइल वाली लड़की। बहुत अच्छा, न्यू तो नहीं है क्योंकि हम तो ऐसा ही ले रहे हैं सालों से, बट हाँ अभी हम 1-1.5 साल के बाद रहते हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना सर। तुम लोग कितना खाई हो ये बताओ पहले। चाट खाया एक, गोल गप्पा खाया दो, क्योंकि मेरे को सलाद देख के और हमने खाया। पप्पू जी आप क्या क्या खाए, क्या खा रहे हो? ये क्या हुआ दीपाली तुम्हारे साथ? डांस किया मैंने, चप्पल तो डांस किया है, ये देखो साड़ी तो डांस। ठीक से दिखाओ। इसे कहते हैं ये एक हील देखो, ये दूसरा हील देखो मेरा, ये चप्पल तो डांस। लहंगा तो उठाओ दिखाओ तो अच्छे से, ये देखो मेरा चप्पल तो डांस। तो दीपाली ऐसा हुआ कि दीपाली की सैंडल टूट गई, हम इतना डांस किया, इसने इतना ज्यादा डांस किया कि उसकी सैंडल टूट गई। ये जबरदस्ती वाला पोज जो फोटोग्राफर्स करवाते हैं ना, वो चल रहा है जबरदस्ती वाला पोज। हाँ ये ना मेरी मौसी है, वो मुंह दिखाई कर रही है अपनी बहू का। Hey guys, okay, तो अब मैं अपना ब्लॉग जो शादी वाला ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करूँगी एंड जल्दी से मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय।